हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और फेस्टिवल रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची पप्पू चक्कलू। इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा, भीगा हुआ चना दाल, एक घंटे पहले भिगा दिया था, एक स्पून है, एक स्पून मूंग दाल है, इसे भी मैंने एक घंटे पहले भिगा दिया था। उसके अलावा अदरक, हरी मिर्च और जीरा है, और यह है सूखे मसाले, करी पत्ता, मिर्च पाउडर, नमक, सफ़ेद तिली, हल्दी और 1/4 टीस्पून जितना हींग है। हल्दी भी मैं जस्ट कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा एक टीस्पून बटर है और तेल तलने के लिए। हल्दी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अभी मैंने लिया एक मिक्सी का जार, उसमें डाला है हरी मिर्च, जीरा और अदरक। थोड़ा सा मैंने जीरा बचा के रख लिया एक स्पून में से। अभी मैंने इसे थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने रखा एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ दो कटोरी पानी। डाल के जैसे पानी गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर एक टीस्पून। आप बटर की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डालडे का भी, जो आपके पास अवेलेबल है या अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस। अभी मैं इसमें डाली हूँ भीगा हुआ मूंग दाल और चना दाल, इसे मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था, और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग और सफ़ेद तिली एक टीस्पून है, और मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी अराउंड एक टीस्पून है, थोड़ा सा जीरा और करिया पत्ती, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिर्च पाउडर और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दो कटोरी चावल का आटा। मैंने दो ही कटोरी पानी लिया है और दो ही कटोरी मैं चावल का आटा ले रही हूँ। मतलब आप जितना भी आटा लोगे, दो तीन जितने भी कटोरी, उतना ही या उसी के अकॉर्डिंग आप पानी लेना, चाहे ग्लास लो, कटोरी लो, कप लो, बट इक्वल रहना चाहिए पानी और आटा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स की हूँ। अब मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। पेस्ट मुझे पानी में ही डालना था, बट मेरे ध्यान से उतर गया इसलिए मैं भी डाल रही हूँ। आप पहले भी डाल सकते हो और अभी भी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये काफ़ी गर्म है, मैं इसे ढक के एक दो मिनट के लिए, या तब तक कि जब तक कि इसको हम लोग हाथ से हैंडल ना कर सके, उतनी देर मैं रख रही हूँ। अभी दो मिनट बाद आटा फिर भी गर्म है, एकदम ठंडा नहीं है, मतलब कुनकुना है। अब मैं इसको थोड़े से हाथ को पानी से गीला करते हुए इसका एकदम नरम आटा बना रही हूँ। यहाँ पे मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ पानी से अपने हाथ को नॉर्मल कर रही हूँ क्योंकि आटा गर्म है। अब मैंने इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाया। अगर आपको ऐसा लग रहा है आटा बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप एक दो टीस्पून जितना पानी डालना, अदरवाइज पानी ज़रूरत नहीं है। दो कटोरी आटे के लिए दो कटोरी पानी सफिशियंट है। अभी मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। आपको जिस साइज़ के चक्कलू बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बॉल बना लेना। अब सारे बॉल बन के रेडी हैं। ये एक फेमस साउथ इंडियन डिश है पप्पू चक्कलू, ये जनरली फेस्टिवल्स में बनाया जाता है। अभी मैंने एक पॉलीथीन शीट लिया, आप चाहो तो बटर पेपर भी ले सकते हो। अभी मैं ले रही हूँ, ये पूरी प्रेस करने वाला प्रेसर है। अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक पॉलीथीन, ये नॉर्मल पॉलीथीन है जिसमें हम लोग दाल या चावल खरीदते हैं, शक्कर, वो वाला पॉलीथीन है, उसको मैंने वॉश करके कट कर लिया है। अभी मैं ले रही हूँ एक बॉल, इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ऑयल। ऑयल लगा के अभी मैं पॉलीथीन को बंद कर रही हूँ। बंद करके हल्के हाथ से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथ से। जिस तरीके से हम लोग पूरी बनाते हैं वैसे हमें गोल एक पतली सी पूरी बनानी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। हम लोग लेते हैं एक बॉल, बॉल लेके इसके ऊपर ऑयल लगा के पॉलीथीन टर्न करके इसको हल्के हाथ से हम लोग प्रेस करेंगे। अभी मैं इसको रख रही हूँ पॉलीथीन शीट के ऊपर। अब मैं आपको एक और तरीका दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से तेल लगा के कटोरी से या हाथ से भी इसको आप फ्लैट कर सकते हो, बट हाथ से उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। जो भी कटोरी है जिसका नीचे फेस प्लेन हो, सरफेस, उससे हमें प्रेस करना है ग्लास या कटोरी लेके, उसके बाद उससे इसे गोल बनाना है। अब इसको मैं निकाल के रख रही हूँ साइड में। अब आपको जो मेथड ईजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप सारे पूरी बना के रेडी कर लेना। अब सारे पूरी बन के रेडी हो गए, मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था। हमें एकदम हैवी बॉटम वाला कढ़ाई यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। तेल गर्म हुआ कि नहीं पहले चेक कर लेना। तेल जैसे गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम हमें मीडियम करना है। उसके बाद एक एक चक्कलू डाल के इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होते तक हमें फ्राई करना है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्रिस्पी है, क्रंची है। इसे आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी। ये चावल के आटे से बनता है। ये एक फेमस आंध्रा रेसिपी है। इसे जनरली संक्रांति, दिवाली, दशहरे पे बनाया जाता है। अब
आप भी इसे इस दिवाली पे बना के ज़रूर देखिए, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल पे। या फिर आपको ऐसी टी टाइम स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स या कुछ भी खाने का मन कर रहा है थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसे ट्राई ज़रूर करना। अब ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया, मैंने ऊपर नीचे पलटते हुए इसको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ किचन टावल के ऊपर ताकि जितना भी तेल एक्स्ट्रा है वो पेपर सोख ले। उसके बाद सेम इसी तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए मैं सारे चक्कलों को फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करके इन्हें भी मैं निकाल रही हूँ। इसे बना के आप एयर टाइट कंटेनर में रख के 15-20 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हो। बस अब हमारे सारे पप्पू चक्कलू बनके रेडी है। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।